अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये है अमाना मॉल और हम गए हैं अमाना मॉल सैर करने के लिए। बच्चों को भी सैर करवाना था। आज थी सालगिरह मेरी सिस्टर की, उसको हमने सरप्राइज़ करना था कि बल्कि सरप्राइज़ का गिफ्ट करना था कि उसको हमने सैर करवाई। उसको बहुत शौक़ था बोंगसर पे जाने का, तो बच्चों की भी साथ सैर हो गई और उसकी भी सैर हो गई। अमाना मॉल जाने का मेन मकसद बोंगसर पे जाना था क्योंकि बच्चों को बहुत शौक़ था बोंगसर पे जाने का, और मेरी सिस्टर जिसकी सालगिरह थी उसको भी बहुत शौक़ था वहाँ जाने का। तो हमने सोचा क्यों ना बच्चों को भी ले चलें और बड़ों को भी ले चलें और बच्चों को सैर करवा के लाई जाए। और बच्चे तो वहाँ जाकर वापस आने का नाम नहीं ले रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम यहीं पर रहें, बस हमारा बिस्तरा भी यहीं मंगवा दो। बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला हमने बच्चों को, लेकिन वो निकलना नहीं चाह रहे थे। बच्चे क्या बड़े नहीं निकलना चाह रहे थे। मेरा भाई जो बैंक में काम करता है, दो बच्चे हैं उसके, और वो बैंक पंजाब बैंक में काम करता है, और वो भी नहीं निकलना चाह रहा था। उसने भी बहुत इंजॉय किया, वो भी चाहता भी है और भाजी भी। और मैंने कहा ठीक है भाई, तुम ज़्यादा इंजॉय कर लो, बच्चे करें ना करें तुम इंजॉय कर लो। फातिमा इनसे निकला नहीं जा रहा था तो तलहा ने इसको निकाला पकड़ के, और इतनी मुश्किल से वो बाहर निकली तो फिर जंप कर दी उसने। ये देखिएगा, फिर जंप कर देगी, ये देखें अभी बड़ी मुश्किल से इसको निकाला था फिर जंप कर दिया। तलहा को पकड़ पकड़ के मैं थक गई थी, मैंने उसको अंदर भेजा कि जाओ अंदर बैठो थोड़ा सैर करो आप भी। वो तो रोने लग गया, फिर बाहर निकल। ये हैं तलहा और उसके मामू। तलहा थक गए लेकिन मामू नहीं थके, क्योंकि मामू को तो बहुत मज़ा आ रहा था अंदर जंपिंग करने का। बचपन में मेरे खालू कहा करते थे तलहा लाल को, कहा करते थे ये गुरीला है, क्योंकि ये बचपन में ही बहुत उछल कूद करता था, और इधर जाओ उधर जाओ, एक दीवार फलांग दूसरी दीवार फलांग, और कभी टिक के बैठते ही नहीं थे ये लोग। बस जहाँ ये जिस घर में जाते थे उस घर में बस सबको मुसीबत पड़ जाती थी। अभी बिलाल साहब आ गए हैं और बस सब कुछ छुपा लो, सारे गुलदान छुपा लो, हर चीज़ छुपा लो, ये तोड़ देंगे ये गिरा देंगे। तो आज भी गुरीला ही है। मैंने आज देखा कंधे का गुरीला सोया नहीं था, जागा ही हुआ था, जो एकदम से उभर के सामने आया है। बहुत शौक़ था इनको जंपिंग करने का, और ये बाहर नहीं निकल रहे थे और ये चाह रहे थे कि अंदर ही रहें, और बल्कि रोज़ रोज़ यहाँ आया करें। अच्छा खासा पैसा यहाँ पे लग गया इनका, लेकिन इसके बावजूद भी इनको मज़ा बहुत आया। वरना बंदे का पैसा लग जाए तो वो कहता है इतने पैसे लग गए बस आइंदा नहीं आना, लेकिन वो फिर से आने को तैयार हैं कि फिर यहाँ आएंगे। ये देखें इनकी हालत, लेकिन जंपिंग करना नहीं छोड़ी। तलहा बेचारा थक के बैठ गया कि मामू मैं थक गया था बहुत ज़्यादा जंपिंग कर करके, कि मामू का स्पीड नहीं ख़त्म हुआ, लेकिन हमारा भी था, हमने इनको बाहर निकालना था, हमने इनको बाहर निकाल लिया किसी ना किसी तरीके। अब मैं चाह रही थी आपको थोड़ा मॉल दिखा दूँ, लेकिन माल दिखाने के लिए मुझे चाहिए था कि मैं मेरे हाथ बिल्कुल फारिग हूँ और मैं इजीली आपको दिखा सकूँ, मगर जिस हद तक पॉसिबल हो सका मैंने आपको दिखाया है। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह थोड़ा टाइम देकर जाएंगे ताकि थोड़ा मेरा बेबी थोड़ा सा बड़ा हो जाए, गोद से उतर जाए, ताकि मैं इजीली आपको मॉल दिखा सकूँ और आपको इंजॉय करा सकूँ। बच्चों ने खैर बहुत इंजॉय कर लिया। अभी वो देखें तलहा का मुँह उस तरफ है कि मैं भी शॉपिंग में थोड़ी बहुत कर लूं, लेकिन हमारा मूड शॉपिंग का नहीं था। ये तो एक सीन दो मरतबा रिकॉर्ड हो गया। फातिमा को पपेट वैसे ही बहुत पसंद है, उसको वहाँ पपेट मिल गए थे और वो तो उनके साथ खेलने में मसरूफ़ हो गई। वो जाके उसकी गोद में बैठ गई अपनी तरफ से कि मैं उसकी गोद में बैठी हूँ।
तलहा की नज़रें शॉपिंग मॉल के चारों तरफ घूम रही थीं कि कुछ और जमीसा मुझे मिले और मैं इंजॉय करूं और अभी। बाउंसिंग से भी उसका दिल भर गया था, लेकिन उसका दिल था कि मैं और भी कुछ करूं। यहाँ पर हमें एक लाइटिंग नज़र आई और वो बजित था कि इस लाइटिंग में हमें लेकर जाएं। तो हम तो नहीं जाना चाह रहे थे क्योंकि हम तो थक गए थे, लेकिन उसकी कोशिश थी कि मुझे यहाँ लेकर जाएं और मैं यहाँ जा कर देखूँ यहाँ पर क्या है। फिर हमें इसकी मजबूरन इसका मुँह बन गया था, नाराज सा हो गया था, तो हमें जाना पड़ा ऊपर क्योंकि वो इंजॉय नहीं कर पा रहा था जिस तरह बाकी बच्चे इंजॉय कर रहे थे। फिर हम ऊपर गए तो ऊपर जैसे चंद बात होता है बच्चों के टॉयज होते हैं, बच्चे खेलते हैं, गेम्स थी वहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की, बहुत ज़बरदस्त गेम्स थी जहाँ पर वाकई ही हमें जाना चाहिए था। हमें तो मालूम नहीं था, हमें तो बस बाउंसर का मालूम था, तो इसलिए हम सिर्फ उसी का सोच कर आए थे। लेकिन हम ऊपर गए तो हमें बहुत इंजॉय किया और उसकी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं काफ़ी सारी माशाल्लाह। तो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। इस वक्त व्लॉग बहुत लंबा हो गया इसलिए हम इसको यहाँ वाइंड अप करते हैं। और अगर आपको हमारा व्लॉग पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइए।